अदाकारा हिबा बुखारी हमला हो गई हैं। नादिया खान कौन होती हैं? इस खबर का ऐलान करने वाली सोशल मीडिया सारफीन टेलीविजन की मारूफ मेजबान और अदाकारा नादिया खान पर बरस पड़े। हाल ही में पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ मेजबान और अदाकारा नादिया खान ने अदाकारा हिबा बुखारी के हमला होने का इंकशाफ कर दिया, जिस पर हिबा बुखारी और इनके शौहर अदाकार आरिज अहमद की जानिब से किसी तरह का रद्दअमल सामने नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया सारफीन ने नादिया खान की दुर्गत बना डाली। जहां नादिया खान ने हिबा बुखारी और दानिश तैमूर के ड्रामा सीरियल जानिसार के बारे में अपना तजिया पेश किया, वहीं अदाकारा हिबा बुखारी से मुतालिक अहम इंकशाफ भी किया। नादिया खान ने इंकशाफ किया कि अदाकारा हिबा बुखारी हामला है और इनके यहाँ बहुत जल्द पहले बच्चे की आमद मुतवक्के है। नादिया खान का अपनी बात को यकीनी बनाने के लिए मजीद कहना था कि ड्रामा सीरियल जानिसार और रद्द की शूटिंग भी दौरान हमल की गई है। ड्रामे के कई सीन ऐसे हैं जिसमें हिबा बुखारी का बढ़ता हुआ वजन और चेहरे की सूजन भी वाजे है। नादिया खान ने हिबा बुखारी और इनके शौहर और अदाकार आरिज अहमद को मुबारकबाद भी दी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हिबा बुखारी और आरिज अहमद की जानिब से अभी तक इस खबर का ऐलान नहीं किया गया। सारफीन की जानिब से नादिया खान पर खूब तनकीद की गई कि आखिर इन्होंने हिबा बुखारी और आरिज अहमद के वालदैन बनने की खुशखबरी का ऐलान क्यों किया, जबकि इनकी जानिब से इस तरह का कोई भी बयान सामने नहीं आया। कई सारफीन ने नादिया खान को कहा कि इन्होंने ये ऐलान करके हिबा बुखारी और आरिज अहमद के कीमती लम्हे को बर्बाद करके रख दिया है। हिबा बुखारी ने साल 2022 में साथी अदाकार आरिज अहमद से शादी की थी। दोनों के दरमियान शादी से कबल कुछ अरसे तक ताल्लुकात भी रहे थे।